केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। सर, आज जो बड़े मकान में आप लोग जमा होकर, बहुत सारे लोग आपके साथ सिर पड़े हुए, तो इसके बारे में SDPI को सिर पड़े हुए, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने जो देखा आज जो बड़े मकान का मंजर हो, चाहे नक्षत्रा का मंजर हो, चाहे इस कर्नाटक का मंजर हो, क्योंकि SDPI को नौजवान इसलिए जमते हैं क्योंकि आपकी आवाज के लिए जमते हैं, हिंदुस्तान के अंदर की डेमोक्रेसी बचाने के लिए जमते हैं, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करने वालों को साथ रहने के लिए ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जमते हैं, क्योंकि हम हक की बात करते हैं। हमारा नारा है भूख से आज़ादी, भूख से आज़ादी। जो भी मजलूम जहाँ पे मजलूम है, मजलूम के साथ हम खड़े रहते हैं। ये देख कर आज बड़े मकान के सारे नौजवान आज भी हमारे SDPI के अंदर आज जॉइन हुए हैं, और इस ऑफिस की ओपनिंग आज हमने इसलिए किया है कि बैठकर टीवी, क्रिकेट, कैरमबोर्ड खेलने के लिए नहीं ओपन किया, क्योंकि कौम की खिदमत करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कीम्स आते हैं वो स्कीम्स हमारी आवाम तक लेके जाने का है, जैसा कि स्कॉलरशिप का मसला हो, या पेंशन का मसला हो, DL का मसला हो, पैन कार्ड का मसला हो, आधार कार्ड का मसला हो, आइडेंटिटी कार्ड का मसला हो, जितनी ताकत हमारे हाथ में जितनी होती है उतनी ताकत के साथ हम हमारे मोहल्ले का नहीं, ऑल ओवर कर्नाटक के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं बड़े मकान वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के अंदर आपने बेहतरीन अंदाज में जितने भी बयान किए गए आपके दिमाग के लिए किए गए हैं, क्योंकि आज की सियासत जो है जात पात पर चल रही है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मिलकर हमारा देश बन रहा है, लेकिन पिछताई ताकतों ने हमें डिवाइड कर रहे हैं। मैं सारे मैसूर के अवाम और कर्नाटक के अवाम, पूरे हिंदुस्तान के अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदू और मुस्लिम में ना बैठे, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश ये फूलों का चमन है, हमारा देश, हम आपस में भाईचारा रखना है। इसी बात से मैं, आप तो ने देखा है, कई मिसालें देखा है हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते कितने लोग आज़ादी के वास्ते अपने जानों कुर्बान किया, लेकिन आज पिछताई ताकत जो आज़ादी में हिंदुस्तान के वास्ते जितने भी शहीद उनके नामों निशान बिठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम एक सत्ते पर आ जाए, पिछताई ताकत कितनी भी हो वो जकड़ते भी रहते हैं। सिम भी हमारे एक दो बात से कोई सिम एक बात। जहीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके वास्ते नहीं करे, उनके काम करने के वास्ते एक मकसद से हमें ऑफिस ओपन करे, दूसरा क्या भी चीज से नहीं, जैसा कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ईशम कार्ड हो, जितने भी इसके में वो स्कीम के वास्ते हमें काम करने के वास्ते करे। पर क्या हो तो जितने भी हमारे आया जो सिर पड़े हो गई, वो खुशी से आपको हमारे क्या भी फोर्स से आपको सिर पड़े हो गई, खुशी से आपको हम सिर पड़े करें, और खुशी से हम काम करने के वास्ते हमारा हक के वास्ते हमें खुश नहीं रहते सामने आपको काम करने। मैं बड़े मकान वार्ड नंबर 27 से सेक्रेटरी अबिल बात कर रहा हूँ। आज जैसा कि बड़े मकान के अंदर वार्ड नंबर 27 में हाफिज ओपनिंग होती ओके, इसमें हमारे MLA कैंडिडेट नर क्षेत्र के अब्दुल मलिक साहब की जो स्पीच सुनकर 100 से 150 नौजवान सिर पड़े हो गए हैं, वो हमारा पार्टी का काम देखकर सिर पड़े हो गए हैं, किसकी भी जुल्म जबरदस्ती से फोर्स से क्या भी सिर पड़े हो गए, उनकी खुशी से हमारे काम को देखकर आगे। सर, आज कितने लड़के लोग जुड़े हुए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बड़े मकान से तन्नो बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, बड़े मकान के अंदर 27 एंड 15 में हमारे ऑफिस ओपनिंग थी। आज अब्दुल मजीद साहब एनआर क्षेत्र के, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बड़े मकान से 20 को 100 से बात कर रहा हूँ।
आज का प्रोग्राम रखे थे, क्या वास्ते रखे थे, तो जो हालात है वो हालात के बारे में रखे थे, वो हालात के बारे में जो बात हुई उसमें अच्छे से अच्छे पैमाने में लोग आके जुड़े। हालांकि 100 से 150 लोग लड़के लोग आके जॉइन हमारी पार्टी को हुए। हालांकि हमारे मजीद साहब तो बहुत अच्छे हिम्मत और अफजाई की बात की असम्बली के अंदर फिज इंतबा करने की जो बात की, उनके लिए हमें वोट किए। KCN न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। KCN को बात करने के लिए धन्यवाद।